नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube के एक और नए ब्लॉग वीडियो में। हम आ पहुँचे हैं मथुरा श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि। जिस स्थान पर अभी हम खड़े हुए हैं, यह है गोकुल बैराज। गोकुल बैराज से आपको यमुना जी के दर्शन होंगे, साथ ही साथ आप जब यमुना जी के उस पार देखेंगे तो आपको कुछ इमारतें नज़र आएंगी। ये गोकुल गाँव है। गोकुल वही स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अपना बचपन गुजारा था। इस तरफ देखेंगे तो आपको एक डैम नज़र आएगा। डैम को ही हिंदी में बैराज कहा जाता है। जो भाव है वो काफ़ी तेज़ है क्योंकि डैम खुला हुआ है। ऊपर आपको एक पुल नज़र आएगा जहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं। हम यहाँ से रमन रेती मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। रमन रेती मंदिर की दूरी यहाँ से लगभग 5.5 किलोमीटर है। बताया जाता है रमन रेती मंदिर में एक रेतीला मैदान है। उस रेतीले मैदान में श्री कृष्ण जी जब अपना बचपन गोकुल में गुजार रहे थे, यहाँ पर खेलने आया करते थे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी रमन रेती मंदिर, और जिस स्थान पर खड़े हुए हैं ये है आप यहाँ का वाहन पार्किंग। और पीछे देख सकते हो आप, संडे मॉर्निंग का टाइम है अभी, तो पूरा खाली पड़ा हुआ है। अदरवाइज़ शाम का टाइम होगा, दोपहर का टाइम होगा, तो यहाँ पर क्राउड बढ़ जाएगा। टूरिस्ट आना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर जो पार्किंग का चार्ज है वो 2-व्हीलर का 10 रुपये है, 4-व्हीलर्स का 20 रुपये है, और बस वगैरह है टूर से आ रहे हैं तो 50 रुपये है। तो ये पार्किंग का काफ़ी बड़ा स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम मंदिर की तरफ। राजस्थान से आए हुए है ना? राजस्थान से आए हो? कहाँ से? राजस्थान से आए हो? कहाँ से? राजस्थान से कहाँ से आए हो? अच्छा, पूरे आए हुए हैं, पूरी पलटन है। RJ24। हम लोग पार्किंग से निकल रहे हैं और बहुत ही कम भीड़ है। हमें लग रहा था भीड़ मिलेगी, संडे का टाइम है आज, लेकिन भीड़ काफ़ी कम है। टूरिस्ट वगैरह तो मिलेगा, ढोल नगाड़े बज रहे हैं बढ़िया तरीके से। तो यहाँ से हमें सीधे चलते हुए मंदिर की तरफ बढ़ना है, और कुछ ही कदम की दूरी है यहाँ से, है ना? गाड़ी बाहर पार्क नहीं करना है। कुछ लोग यहाँ पर गाड़ी पार्क कर जाते हैं, इसलिए चैन लगा दिया। और ये सामने ये आप कैफ़े भी है, मतलब ये कैंटीन है, हिरण पार्क। तो ये हिरण पार्क है और काफ़ी सारे हिरण हैं सामने देखने को मिल रहे हैं। चलते हैं अंदर, चलते हैं ना, यहाँ से तो जालियाँ लगी हैं, वहाँ से रास्ता है, आगे से रास्ता है। और हम लोग आ गए हिरण पार्क में। सामने आप हिरण देख सकते हो, काला हिरण। इतने पास से हिरण ना यहीं देखने को मिलेंगे। बहुत सारे काले हिरण हैं यहाँ पे, और लोग यहाँ दाना भी दे रहे हैं, दाना मिल रहा है यहाँ पे। हाँ भैया, कितने का है दाना? क्या है ये? ज्वार है, 10 रुपये दे दो। हाथ से भी खिला सकते हैं ना? और क्या, हाथ से खिलाओ, हाथ में रख के लाओ, दो हाथ में, दो सुबह हाथ में दो। भैया आरती का समय क्या है? 9 बजे लगभग। 9 बजे है तो ठीक है, टाइम तो है अपने पास। देखो ला भाई और दो। लो कितने सारे आ गए, देखना। अरे जो इन्हें ज्वार बहुत पसंद है। और अच्छा, हाथ नहीं जा रहा अंदर, तो मैं ऐसे ही रख देता हूँ, उसे मुंह में चला गया पूरा। वो काफी सारे आ रहे हैं, 10 रुपये का और ले लो यार। और खिला दो, ऐसे तो ये पूरे दिन खाते रहते हैं। गाड़ी आई, सब भागे बाहर। कितने सारे हिरण है? सैकड़ों में है, काफी दूर तक है। जो गार्डन है, पार्क है। दांत हाथ से अगर काट ले तो दांत हाथ नहीं करने, काटेंगे नहीं वैसे, काटते ना तो लिखा होता है। दांत इतने नुकीले भी नहीं है। लोग क्या है ना, वहाँ से ही खिलाते खिलाते ना सीधे मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। इस तरफ आओ, इधर देखो, ये देखो, यहाँ पर
कबूतर, अच्छा मोर मोर भी है। अच्छा इनको खोल देते होंगे, अभी बंद कर रखा है। खोलते हैं, वैसे मैंने देखा है बाहर भी घूमते हैं लोग। मोर है, कबूतर है, सफ़ेद कबूतर, खरगोश, देखो छोटे छोटे खरगोश कितने सारे हैं। अभी तो मुझे एक ही दिख रहा है, कबूतर भी ऐसे लग रहे हैं खरगोश जैसे, और कुछ है खरगोश वहाँ पे, है ना, मिक्सअप हो रहा है बिल्कुल। वाइट वाला खरगोश भी बैठा हुआ है, पानी वगैरह रखा हुआ है वहाँ पे। आओ सामने और देखते हैं क्या क्या है। ये अकेला बैठा हुआ है बेचारा, हाँ कमजोर भी लग रहा है। आ जाओ आशीष, हमें यहाँ पे शुतुरमुर्ग भी देखने को मिला था। शुतुरमुर्ग उस तरफ नहीं था, इस तरफ था, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थोड़ा। हाँ सामने है, देखो आप सामने दिखाता हूँ आपको। शुतुरमुर्ग कितने बड़े बड़े हैं, उस तरफ ही जा रहे हैं ये लोग भी। इनको ये दाना भी नहीं खाते, खाते होंगे कुछ ना कुछ तो खाते होंगे, इनको भी होता है दाना खाते हैं। दो हैं, कपल लग रहे हैं, हो सकता है कपल हो अभी, लेकिन इस तरफ है ना, खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। हाँ थोड़ा कैमरा कॉन्शियस लग रहा है मुझे शुतुरमुर्ग। हम लोग जितना उसके पीछे जाते जा रहे हैं वो भागता जा रहा है। दूर सामने बगुले हैं, बतख है। चलिए अब मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं, और जो पूजा का समय हमें बताया जा रहा है लगभग 9 बजे, अभी बज रहे हैं 8:20, तो अभी हमारे पास समय है, तब तक हम थोड़ा मंदिर में और घूमते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है। सामने आप अपने जूते चप्पल रख सकते हो, जो सेवा है बिल्कुल निःशुल्क है, और यहाँ से हम मंदिर के लिए प्रवेश करेंगे। वैसे तो निःशुल्क सेवा है, लेकिन जो सेवा हो यहाँ पे प्रदान कर सकते हैं जी, इच्छा अनुसार। मुख्य द्वार, पूरन लाल सैनिक सुरक्षा अधिकारी रमन रेती आश्रम। तो आप सिक्योरिटी गार्ड हो यहाँ पर? मैं यहाँ दरोगा हूँ रमन रेती आश्रम की। जी। तो इस मंदिर के बारे में क्या इतिहास है, क्या मान्यताएं हैं, वो सब हम जानना चाहते हैं। यहाँ भगवान ने गौ चराने के लिए जमुना जी के किनारे आते थे, और इसी भूमि में खेलते थे और यहीं लेट लगाते थे, ये इसकी महिमा है। यहाँ रमण रेती में रमण रेत लूट्यो नहीं और कियो नहीं अपना पान, हे नर तू जानो नहीं ब्रज को सप्त महान, को कब वर्णन कर सके या रमण रेत को मूल, या के कण कण में बसी श्री युगल चरण की धूल। यहाँ भगवान ने रस से भी कहा है कि आप सबकी मुक्ति करते हैं, मेरी मुक्ति क्यों नहीं करते। तो भगवान ने कहा है कि जिसके मस्तक पर तू लग जाएगी तो उसकी तो मुक्ति होगी, साथ में तेरी भी हो जाएगी। जो अतिथि ब्रज में आया और ब्रज में आकर के इस भूमि में लेटा नहीं, उसका आना ही निरर्थक है। मतलब यहाँ पर जो रेतीला मैदान है, हाँ, इसमें रज में लेटने का महत्व है जी। अच्छा, जो मतलब यहाँ पे आते थे गौ चराते थे, हाँ। और हमने ऐसा भी सुना यहाँ रेत में खेलते थे। हाँ जी, रेत में खेला करते थे। चलिए वही तो बता रहा हूँ कि रज में लेटने का असली महत्व। नमस्कार सर, बहुत धन्यवाद आपका, जानकारी शेयर करी। आगे की तरफ बढ़ते हैं मंदिर, और यहाँ कुंड भी है कोई? हाँ, रमर सर होगा। तो उसकी क्या मान्यता? हेलो भैया, चप्पल जूते निशुल्क यहाँ पर रमर सरोवर में भगवान स्नान किए हैं, तो ये पहले छोटा सा रूप था, बड़ा रूप हो गया है, कुलदीप पकड़ दो, तो यहाँ असली उसमें स्नान करने का। अच्छा, जो श्री कृष्ण जी थे वो यहाँ स्नान करते। ओके, तो ये काफी मान्यता है। हाँ, काफी मान्यता है। कितना पुराना मंदिर है? बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ 24 वर्ष तक एक मुट्ठी चना खा लेके संतों ने घनघोर तपस्या की है, साक्षात प्रभु का दर्शन प्राप्त किया है। आमने धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मंदिर में तो प्रवेश कर चुके हैं, शिविर है यहाँ पे प्रातः माह के अंतिम शनिवार 11 से 3 बजे तक।
मैदान में ही डाले और आश्रम में नाम रहे। आरती का समय शुरू होने वाला है, 9 बजे का समय है और 8:40 हो चुके हैं तो बस। और सामने हमें हाथी दिख गया है, हाथी यहाँ पर पूजा करता है तो वो यहाँ की महिमा है। और मंदिर का जो कक्ष है वो कक्ष आपके सामने है। पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे दिखाते हैं ना, डरने की जरूरत तो नहीं है इनसे। अभी एक काम करते हैं, अभी 15 मिनट है हमारे पास आरती के लिए, अंदर दर्शन करके आते हैं, फिर आरती होगी तो हम यहाँ पे वापस आ जाएंगे, ठीक है? अंदर चलते हैं पहले। मंदिर के जो फट हैं वो भी 9 बजे खुलेंगे जब आरती का समय होगा। मंदिर के कक्ष अभी 9 बजे खुलेंगे आरती के समय पे। सामने आप कुछ गुरुजी को देख सकते हैं और यहाँ पर जो ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है, वह आप यहाँ आकर ही महसूस कर सकते हैं। सब लोग यहाँ पर भजन में मग्न है, कृष्ण भक्ति में लीन है। आप देखिए यहाँ पे कितना सुंदर नजारा है। और मंदिर के ठीक सामने आपको कुछ आश्रम भी देखने को मिलेंगे, तो आप यहाँ पे कुछ आश्रम देख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अगर हमें प्रवेश मिल पाता है, लेकिन हम तब तक आपको बाहर से आश्रम दिखा देते हैं। यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स भी बनी हुई है श्री कृष्ण जी की, जो दिखने में बहुत सुंदर लग रही हैं।
काफी इनके 3D वर्क किया गया है। आइए, अच्छा इनके ये नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे ऋषि जमदग्नि है ना, ऋषि पारासर, तो ये इनके कुटी हैं, इनके आश्रम है, यहाँ पे रहते हैं। भगवान सुखदेव जी यहाँ पे जो पेंटिंग्स है बहुत सुंदर है, 3D वर्क किया गया है इन पे, और कृष्ण जी की अलग अलग लीलाओं को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। और जो दृश्य है वो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, काफी अद्भुत है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ये आश्रम है यहाँ पे जी। तो यहाँ पे मतलब जैसे हम आम तौर पे हैं तो हम लोग मतलब घूम सकते हैं, देख सकते हैं क्या, या फिर बाहर से ही देखने के लिए यहाँ पे? नहीं, देख सकते हो, कैसे भी देख सकते हो, लेकिन बस जो कुटिया है उनके अंदर प्रवेश कर देते हैं। अच्छा, हम बाहर से, अभी ये कुटी है, जैसे आप लोग यहाँ पे रहते हो? हम लोग तो नहीं रहते यहाँ पे, महाराज जी के लिए, जैसे संत महाराज जी। अच्छा, संत महाराज जी है उनके लिए। ओके, तो हम बाहर से तो देख ही सकते हैं, बस इतना है। हाँ, ऐसे बाहर घूम सकते हो, और मार्ग में वहाँ उनके दर्शन है। हाँ, रमण बिहारी जी के, उसके पीछे लोट के लिए है। हाँ, लोट के लिए है, और आगे सरोवर है, सरोवर साइड घूमने के लिए है जी। और इधर सर से जब जाओ तो यमुना जी के लिए, यमुना का वो भी है यहाँ पे, घाट है, यमुना घाट है। इधर से जाओगे सीधे के लिए 5 मिनट का रास्ता, वहाँ से आपको यमुना का। और कुंड भी है यहाँ पे? हाँ, कुंड है ना उधर साइड, उधर से ही कुंड है। अच्छा, कुंड से ही रास्ता होते हुए जा रहा है, कुंड है, तो कुंड के कुंड से भी आप निकल सकते हो यमुना जी के लिए, और इधर से भी जा सकते हैं। आप कहाँ से? मैं तो दिल्ली से हूँ। आप यहीं पे रहते हो? पढ़ाई करके। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पे आप? पढ़ाई करके निकल चुके हो? निकल चुके हो आप, आए हुए हो अभी यहाँ पे। अच्छा, धन्यवाद। आपका नाम? नितिन दीक्षित। नितिन दीक्षित, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आरती का जो समय था वो था 9 बजे, लेकिन अभी 9:20 हो गए और अभी तक आरती शुरू नहीं हुई है। सब लोग कृष्ण भक्ति में लीन है, और हम जब आए थे तब कक्ष बिल्कुल खाली था, लेकिन अब बिल्कुल कक्ष भर चुका है। यहाँ पर कदम रखने की भी जगह नहीं है, सब लोग कृष्ण भक्ति में लीन है। और यहाँ पर जो ऊर्जा है वो गजब की है, बिल्कुल शब्दों में बयान नहीं किया सकती। मैं फिर से कहूंगा आपसे, आप यहाँ पर आएंगे तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो वातावरण है वो कितना ही अच्छा है। लोट लो तुम भी। देखो देखो ये गाना तो जी रही है। और यही वो स्थान है, रेत का मैदान है, जिसके बारे में बताया जाता है श्री कृष्ण जी बचपन में यहाँ पर खेला करते थे और रेत में लोटा करते थे। कोई बात नहीं, फिर से हो जाएगा यार, ये इसको ही बुला लो। अरे, और यही वो रेत का मैदान है और स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण जी बचपन में खेला करते थे, लोट लगाया करते थे। और उसी अनुसार, उसी मान्यता के अनुसार यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं कैसे लोग यहाँ पर मैदान में खेल रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, लोग यहाँ पे कलाकारी भी अपनी दिखाते हैं, जो किसी ने शिवलिंग जैसा आकार बना रखा है, जिससे जो बन सकता है वो बनाता है यहाँ पे। और इस रेत की खास बात यह है कि हाथों में ये चिपकती नहीं है ना आपके पैरों में चिपकेगी। जैसे मैंने इसको हाथ में लिया और रगड़ा अच्छे से, और जब मैं इसको साफ करूंगा तो आप देख सकते हो बिल्कुल ही साफ हो गई है। अगर आप रमन मूर्ति मंदिर में आए हो और यहाँ पे आपने आके लोट नहीं लगाई, इस रेत में नहीं खेला, तो आपके दर्शन अधूरे हैं। शिवलिंग बना रखे हैं।
अरे राइट हैंड से मेन राइट से जमना हाथ से रन निकालो और तीन बार बढ़ाओ काम दूर काम दूर काम दूर ठीक है घर से बाहर छोड़ने का है इसको घर से बाहर छोड़ने करो सर जो पहला सब्सक्राइबर मिलने वाला है मुझे मंदिर में लाओ वो नेटवर्क नहीं आ रहे धीरे कौन है एक्सप्लोर विद प्रशांत और क्या तू भी आएगा तू आएगा तू जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा राधे 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 बोलो बातें बिहारी लाल की क्या कबड्डी भी खेल रहे हैं यार राजा कबड्डी देखते थोड़ी सी आरती का समय शुरू हो गया है गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा है ना गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा बनी हुई है
हम लोग पहुंच चुके हैं पवित्र कुंड की तरफ। सामने हमारे पवित्र कुंड, यहाँ पर काफी लोग स्नान भी करते हैं। और यही वो पवित्र कुंड है, ये पवित्र स्थान है जिसके बारे में बताया जाता है कि श्री कृष्ण जी यहाँ पर नहाया करते थे और उसी मान्यता के अनुसार लोग यहाँ पर नहाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ तार लगाए गए हैं, फेंसिंग लगाई गई है, क्योंकि कुंड बीच में काफी गहरा है तो अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप उस पार ना जाएं और इस पार तक ही रहें। जितनी महत्वता इस मंदिर में रेत के मैदान की है उसी बराबर की महत्वता इस मंदिर में इस पवित्र कुंड की भी है। आप देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पे अभी नहा नहीं रहे लेकिन नहाते हैं। आपको यहाँ ना इसको बजाने के लिए ना ऊपर चढ़ना पड़ेगा पहले। ओह भाई डेयरिंग है यार। बस 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 मुझे लगता है कि काफी है, काफी जोर लगता है, ऐसे नहीं बजने वाला ये यार। लटकना नहीं है और थोड़ा ध्यान से ना। ये स्टंट करने के लिए मैंने नहीं बोला, मैं पहले से ही बोल देता हूँ। हाँ ये नहीं बजेगा, इसको बस मुझे लगता है कुछ लोग होते होंगे वो खींचते होंगे। नहीं ये शिवलिंग मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे वो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी में से ऐसे शिवलिंग निकलते हैं, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, ये नेचुरल लग रहा है। और देखो ये बनावट है ना इसकी और इसकी पत्थर की अलग है, वो उस पर लगा गया अलग से। हाँ कब तक प्रसादी बन जाएगी? प्रसादी बन रही है 12 बजे, अभी तो 10 बज रहे हैं। क्या क्या बन रहा है बताई नहीं जाती है, बताई नहीं जाती है। पूरी तो बन रही है इतना तो हमें पता चल गया। बाकी अगर कोई चाहे तो यहाँ पे सेवा भी दे सकता है अपनी, तो सेवा की पेटी आगे की तरफ है, वहाँ पे आप सेवा दे सकते हो। 12 बजे प्रसाद का वितरण होगा, अगर हम उस समय प्रस्तुत हुए तो हम यहाँ पर जरूर आएंगे। वैसे हमें अब आगे बढ़ना है, और भी कुछ जगह हैं जो हमें आपको दिखानी है।